हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंसाइट्स। आज के इस लेक्चर में बात करने वाली हैं, राजस्थान बोर्ड ने करंट ईयर 2024-25 के लिए अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस डिसाइड किया है और इस साल के लिए क्या ब्लूप्रिंट आरबीएससी रख सकती है, इसके बारे में भी आज हम डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले दो बुक है, पहली अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जहां मुझे पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग करनी होगी। मैंने 11th क्लास में सोल प्रोपराइटरशिप की अकाउंटिंग की है, यहां मुझे पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करनी है और मुझे अकाउंटिंग करनी है कंपनीज की। पहली बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसका वेटेज है 35 मार्क्स, और दूसरी बुक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसका वेटेज है 45 मार्क्स। तो टोटल मेरा फाइनल एग्जामिनेशन जो है वो रहेगा 80 मार्क्स का। पहली बुक के अंदर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में चैप्टर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चार है। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका वेटेज 7 नंबर। दूसरा चैप्टर टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और तीसरा भी है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहले वाले में मतलब चैप्टर नंबर सेकंड में चेंज इन पीएसआर और एडमिशन रहेगा, जबकि चैप्टर नंबर थर्ड में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर रहेगा। तो मेरे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स 7 प्लस 11 प्लस 11, ये रहेंगे मेरे 29 मार्क्स। बेसिक कॉन्सेप्ट में मुझे पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में जितनी भी कैलकुलेशन करनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, इन सबकी कैलकुलेशन रहेगी। प्लस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनेगा, पार्टनर्स के कैपिटल और पार्टनर्स के करंट अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होंगे, मुझे पास्ट एडजस्टमेंट करना है, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट करना होगा अप्लाई, मुझे गारंटी प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना होगा। ये सारी छोटी छोटी बातें मैं सबसे पहले वाले चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखूंगा। टोटल इसमें से क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के। फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, ये दोनों टॉपिक्स कुछ 22 नंबर के। और आखिरी है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, जब फर्म बंद होती है तो किस तरह से अकाउंटिंग होगी, इसका वेटेज 6 नंबर। तो इस तरह से 29 प्लस 6, पहली बुक का ओवरऑल वेटेज है 35 मार्क्स। दूसरी बुक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हमें शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करनी होगी, जिसके अंदर शेयर इश्यू, शेयर फॉरफीचर और री इश्यू से रिलेटेड हमें जर्नल एंट्री, प्लस हमें बैलेंस शीट भी बनानी होगी, जिसका वेटेज 12 नंबर। दूसरा टॉपिक अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, कंपनी जब भी डिबेंचर इश्यू करती है, इश्यू वाला पार्ट आएगा इसमें केवल, जिसका वेटेज रहेगा 15 नंबर। 2 साल से पहले तक इसके अंदर इश्यू और रिडम्पशन दोनों था, लेकिन लास्ट ईयर ही आरबीएससी ने, एनसीईआरटी ने डिबेंचर वाला पार्ट हटा दिया। तो ना सीबीएसई में डिबेंचर रिडम्पशन है, ना आरबीएससी में डिबेंचर का रिडम्पशन है, केवल हमें पढ़ना है डिबेंचर का इश्यू वाला पार्ट। फिर चैप्टर नंबर थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, यहां कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मुझे हेडिंग और सब हेडिंग पढ़ना होगा। हेडिंग और सब हेडिंग का मतलब, जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में सोल प्रोपराइटरशिप के अंदर एक वर्ड डिस्कस किया है, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, इन्वेंट्री को हम प्रेजेंट करने करंट एसेट की मेन हेडिंग के अंदर। और इन्वेंट्री 4 टाइप की है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड और अपना लूज टूल्स। तो ऐसे ही हेडिंग और सब हेडिंग एग्जाम में आ जाएगा कि जो रॉ मटेरियल है वो किस हेडिंग और किस सब हेडिंग में आएगा। तो हेडिंग उसका माना जाता है मेन हेड करंट एसेट, और सब हेड माना जाएगा इन्वेंट्री। तो इस तरह से 4 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अगला चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें मुझे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, मतलब ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और बैलेंस शीट के बेसिस पर रेशियो बनाने होंगे, रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी, जिसका वेटेज 6 नंबर। और आखिरी टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एनालिसिस करने की टेक्निक है, जिसका वेटेज रहेगा 8 नंबर। तो इस तरह से शेयर कैपिटल वाला पार्ट 12, डिबेंचर 15, 27 और 4 31, 31 और 14, ये मेरा हो गया 45 मार्क्स की सेकेंड नंबर बुक। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट या मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर है वो इस बुक के अंदर है, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। ये बात थी सिलेबस इस साल क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन अभी तक याद रखें, आरबीएससी ने अपने साइड से अपडेट नहीं किया है कि ये सिलेबस फाइनल है। आरबीएससी थोड़ा टाइम लेगी, अप्रोक्सीमेट जुलाई से अगस्त के बीच में, या थोड़ा डिले भी कर सकती है, तब तक अपडेट करेंगे सिलेबस के बारे में। लेकिन मेरे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस यही रहने वाला है जो लास्ट ईयर था। बात करें कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए, ये डिलीटेड टॉपिक पिछले साल ही डिलीट कर दिए थे। ये वाले सारे टॉपिक्स जो है मैं इस बार इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे पुरानी बुक से पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी में या नई वाली एनसीईआरटी में भी आज भी ये टॉपिक्स गिवन है। तो ये टॉपिक आरबीएससी ने पहले ही डिलीट कर दिए हैं, आप लोगों को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
सबसे पहला अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरी पहली वाली बुक में, पहली बुक में सबसे फर्स्ट टॉपिक ही गिवन हुआ। तो जो बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं या फिर अपडेटेड एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर उन्हें नहीं पढ़ना है कि एनपीओ की अकाउंटिंग किस तरह से होगी। इसके अलावा डिबेंचर का रिडम्पशन वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल पढ़ना है इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला पार्ट। तो रिडम्पशन वाला पार्ट लीड हो चुका है। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की जो टेक्निक है, टेक्निक चार है, कंपेरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक और है रेशियो एनालिसिस। पांच टेक्निक है, कंपेरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस। ये तीन टेक्निक हट गई हैं एनालिसिस वाले पार्ट में से, हमें केवल पढ़नी है कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। जो इस चैप्टर के अंदर है वो कंपेरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड एनालिसिस है। तो ये चैप्टर कंप्लीट तरह से रिमूव हो चुका है, हमें केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस वाला पार्ट ही डिस्कस करना है। तो ये बात थी डिलीटेड टॉपिक की कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, और मैंने बात कर ली पूरे सिलेबस की। अब बात करें चैप्टर वाइज जो आरबीएससी डिवाइड करती है कि एक नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं हर चैप्टर में से, दो नंबर के कितने आने वाले हैं। तो इस तरह का ब्लू प्रिंट जो अभी तक लास्ट ईयर 2023-24 का ही अपडेटेड है, ये मैं लास्ट ईयर का ही डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आरबीएससी एक दो क्वेश्चन ही चेंज करती है, बाकी पैटर्न सेम ऐसे ही फॉलो करेगी। लास्ट ईयर तक आरबीएससी चार वेराइटी क्वेश्चन पूछती आई है, एक नंबर वाला, दो नंबर का, तीन नंबर और चार नंबर। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन की मार्किंग है वो रहती है चार, मिनिमम रहती है एक। पहले वाले टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसका वेटेज अराउंड था 7 नंबर, इसमें दो क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर वाला और एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ आरबीएससी 3 तरह के क्वेश्चन पूछती है, एक तो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, एक रहेगा डेफिनेशन टाइप या फिर कैलकुलेशन टाइप लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो इस वाले में से 2 क्वेश्चन एक नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर। इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया है, वो आप हमारी एजुकेशन इनसाइट्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको किस चैप्टर में से एक नंबर के क्वेश्चन में कौन सी वैरायटी देखने को मिलेगी ये आप चेक कर सकते हैं इजिली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा जो चेंज इन पीएसआर है और एडमिशन वाला पार्ट है, क्वेश्चंस टोटल 11 नंबर के आएंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस एक एक नंबर वाले, 2 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के और 1 क्वेश्चन 4 नंबर। 3 और 4 नंबर के क्वेश्चंस में मेरे पास 2 चॉइसेस भी अवेलेबल होंगी। ऐसे ही सेम रिटायरमेंट में 8 क्वेश्चंस 11 नंबर के, 5 क्वेश्चंस एक एक नंबर वाले और 3 क्वेश्चंस 2-2 नंबर वाले। डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म में 1 क्वेश्चन 1 नंबर, 1 क्वेश्चन 2 नंबर, 1 क्वेश्चन 3 नंबर। शेयर कैपिटल के अकाउंटिंग में 6 क्वेश्चंस एक एक नंबर, 1 क्वेश्चन 2 नंबर और 1 क्वेश्चन 4 नंबर। डिबेंचर वाले पार्ट में 7 क्वेश्चंस एक एक नंबर के, 2 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले पार्ट में 4 क्वेश्चंस एक एक नंबर के। आप लगातार देखते हुए जाओगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। फिर रेशियो एनालिसिस में 1 क्वेश्चन एक नंबर वाला और कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 क्वेश्चंस एक एक नंबर। तो अराउंड जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 11, 17, 17 और 7, 24, 24 और 5, 29 और 3 32, एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे 32, जिसमें एमसीक्यू अराउंड रहेंगे 15, 7 रहेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स और 10 रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो एक एक नंबर वाले टोटल 80 नंबर के पेपर में से 40% तो मेरे लिए ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर अकाउंटेंसी। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस, ये 2 और 1 3, 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस मेरे रहेंगे 12। 32 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले, 2-2 नंबर के 12 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल 44। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे 4 और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे 3। इस प्रकार मेरे अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट्स में 51 क्वेश्चंस आने हैं एग्जामिनेशन में। एक आध दो क्वेश्चन आरबीएससी आगे या पीछे ज्यादा या कम कर सकती है, जैसे लास्ट ईयर 2022-23 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चंस थे 50, लेकिन 2023-24 में आरबीएससी ने कर दिया 51, इस साल हो सकता है वो 52 क्वेश्चंस कर दिए अराउंड। लेकिन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 95 to 96% तक, 95% तक ऑलमोस्ट ब्लूप्रिंट यही रहेगा, एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे आरबीएससी कर सकते हैं। बच्चों ये बात थी ओवरऑल ब्लूप्रिंट की, डिटेल एनालिसिस की, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं
और मेरा चैप्टर वाइज कवरेज, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली। तो ऐसे ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और आप हमारे नोट्स या फिर वीडियोस के लिए हमारा एजुकेशन इनसाइट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फर्दर आपकी जो भी क्वेरी है उसके लिए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर्स में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।